हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक बहुत ही मिस्टीरियस कहानी। इस फिल्म का नाम है अ ब्लड प्लेज। कहानी की शुरुआत में हम तीन लड़कियों को देखते हैं जो एक रिचुअल परफॉर्म करी थी, और उन सभी ने आज डिसाइड किया था कि वो खुद की जान दे देंगी। वो कैंडल्स को हाथों पर रखकर वो करी थी कि आज वो लोग खुद को ख़त्म करके ही रहेंगी। फिर वो सभी पेपर पर लिखे प्लेज पर अपनी खून की बूंद गिराती हैं और वो सीन उधर ही कट हो जाता है। अगले सीन में युनसु नाम की लड़की से मिलते हैं, जो इवनिंग क्लासेस खत्म होने के बाद अपने सिस्टर को मैसेज करी थी ताकि वो दोनों साथ में घर जा सकें। लेकिन तभी युनसु को किसी के गिरने की आवाज़ आती है। वो जैसे ही घूम कर देखती है तो वो और कोई नहीं बल्कि उसकी अपनी बहन जिया थी। ये देख युनसु की हालत ख़राब हो गई थी। अगले दिन स्कूल पर टीचर उन तीनों लड़कियों से पूछ रही थी कि जिया कल तुम्हारे साथ थी ना, क्या कल कोई स्पेशल कारण था? कितनी रात गए जिया तुम लोगों के साथ थी? उनमें से एक लड़की जिसका नाम था यूजन, वो बताती है कि जिया और सू दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और यही कारण है कि कल जिया हमारे साथ थी, लेकिन उसने जो किया इसके बारे में हम तीनों में से किसी को भी कुछ नहीं पता। हम तीनों भी बहुत हैरान हैं और बहुत दुखी भी। यह हम सू के फेस पे बहुत ज़्यादा दुख देख सकते थे। वो दुखी भी थी और डरी हुई भी। यूजन वहाँ पर टीचर से माफ़ी मांग रही थी कि अगर उन्होंने थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया होता तो शायद आज जिया जिंदा होती। सू को बहुत बुरा लग रहा था कि अगर वो कल जल्दी लौट गई होती तो सू भी उसके साथ ही लौट आती। हमें यहाँ पर पता चलता है कि जब सू, यूजन और उनकी तीसरी दोस्त है ना वॉशरूम पे थे, तभी जिया ने वो हार्श कदम उठाया था, इसलिए वो तीनों जिया को नहीं बचा सकी। प्रिंसिपल उन्हें समझाती है कि प्लीज़ तुम तीनों खुद को दोषी मत समझो। हम लोगों में से किसी को भी नहीं पता था कि जिया किस दौर से गुजर रही है और उसने ये कदम क्यों उठाया। अगले सीन हम देखते हैं कि सू वॉशरूम में थी और उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी। उसे एहसास हो रहा था कि कोई तो है वहाँ पर, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। अगले सीन में सू क्लास में आती है तो कुछ लड़कियाँ पूछ रही थी आखिर प्रिंसिपल ने तुमसे क्या कहा। वो सभी सू पर इल्ज़ाम लगा रही थी कि उसकी कारण ही जिया की मौत हुई, उन लोगों ने ही कल जिया के साथ कुछ किया होगा। सू ने समझाती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वो सभी नहीं मानते। वो लोग कहते हैं हम सभी जिया को अच्छे से जानते हैं, वो हम लोगों के साथ फर्स्ट क्लास से पढ़ रही है और वह ऐसा कुछ कभी नहीं कर सकती, वो इतनी वीक नहीं थी। वो फिर सू से कहते हैं एक बात बताओ, तुमने कुछ समय से जिया को इग्नोर करना क्यों शुरू कर दिया था? वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड थी ना? सू के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था, पर तभी वहाँ पे यूजन आ जाती है और वो सभी को चुप होने के लिए कहती है। लेकिन वो सभी कहते हैं हमने सुना है कल तुम भी सू और जिया के साथ थी, फिर तुम्हें भी नहीं पता कि जिया ने ऐसा क्यों किया। यूजन उन लोगों के सवाल का जवाब देकर ये बोल देती है कि हमारे मैटर पर इंटरफेयर करना छोड़ दो और जाकर पढ़ाई करो, इस बार भी फेल होना है क्या? एक्चुअली यूजन और सू बहुत ही इंटेलिजेंट थे और यूजन की बातों से इन लड़कियों को काफ़ी गुस्सा आ जाता है, पर उनके पास कोई कमबैक नहीं बचा था तो वो चुप रह जाते हैं। अगले सीन में लंच ब्रेक था एंड सभी लंच कर रहे थे। यूजन हैना सू लाइन पे खड़े थे लंच लेने के लिए, तभी कुछ और स्टूडेंट्स सू के ऊपर खाने को गिराकर जाने लगते हैं। तभी हैना उन्हें रोकती है तो वो सभी सू से दोबारा कहते हैं सच बताना, क्या तुम्हें नहीं पता था कि जिया खुद की जान देने वाली है? आखिर तुम उसकी बेस्ट फ्रेंड हो, तब तुम उसके पास हॉस्पिटल पर क्यों नहीं गई? और तुम यहाँ खाना कैसे खा सकती हो जबकि कल ही तुम्हारी दोस्त की मौत हुई है? यूजन उन्हें रोकने की कोशिश करती है तो वो कहते हैं सू और जिया के बीच की दोस्ती तुम्हारी वजह से खराब हुई है और तुम ही कारण हो जिसकी वजह से जिया परेशान रहने लग गई थी, तुमने सू और जिया की दोस्ती खराब कर दी और सू के साथ तुम रहने लग गई। यूजन कहती है ये सब तुम्हें कैसे पता, तुम तुम्हारे क्लास की भी नहीं हो। वो लड़की कहती है कोई बात नहीं, ऐसे ही बात को टालते रहो, तुम अच्छा कर रही हो, तुम लोगों को ये राह सामने नहीं आ पाएगा। ये सुनकर गुस्से में यूजन उस लड़की को एक जोरदार चाटा मारती है और कहती है अपनी औकात मत भूलना, तुम मेरे नीचे हो और वहीं पे रहोगी। यूजन वहाँ पर काफ़ी पावरफुल थी एंड अगले सीन हम देखते हैं कि यूजन सू को ढूंढ रही थी। सू लाइब्रेरी पे बुक शेल्फ के पास अकेली उदास बैठी हुई थी एंड यूजन उसे बात करती है तो सू बोल रही थी सामने हमने जिया को अपने प्लान के बारे में बताया था, लेकिन मुझे ये बिल्कुल नहीं पता था कि जिया ऐसा कुछ करेगी। आखिर उसने ऐसा क्यों किया? हमें भी जिया के साथ मर जाना चाहिए था लेकिन हम भाग गए, आखिर हम सभी क्यों बच गए? यूजन उसे समझाने की कोशिश करती है कि जो हो क्या उसे अब वो लोग ठीक तो नहीं कर सकते। अगले सीन में सू जिया के फ्यूनरल पे गई हुई थी, वो उसकी फोटो को देख रही होती है, तभी वहाँ पे जिया की सिस्टर युनसु आ जाती है। उसे देखते ही सू जाने लगती है एंड युनसु उसे बोल रही थी आखिर क्या हो गया, तुम ऐसे घबरा कर क्यों जा रही हो, जिया को एक आखिरी बार देख तो लो। सू कहती है मैं कल आऊँगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। युनसु कहती है कल? पर क्यों, आज क्यों नहीं, कल तो जिया को बरी कर दिया जाएगा। सू उसे दोबारा सॉरी कहती है, तब युनसु को शक होता है, वो कहती है तुम बार बार सॉरी क्यों बोल रही हो, सच बताओ तुम्हें पता है ना कि जिया के साथ क्या हुआ था? वो गुस्से में पूछती है
आखिर क्या हुआ था जिया के साथ, प्लीज़ बताओ। पता है कल मैं उसके लिए स्कूल के बाहर वेट करी थी कि वह आएगी और फिर हम साथ में घर जाएंगे, लेकिन वह ही नहीं। तुम कल उसके साथ थी तो प्लीज़ मुझे सच बता दो। लेकिन से उसे बिना कुछ बताए ही चली जाती है। लौटते वसु को सिर्फ जिया और युनसु की ही याद आ रही थी। वो तीनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे और हमेशा साथ में घूमा करते थे। अगले सीन में सभी लोग चर्च पे थे और जिया के सोल के लिए प्रे कर रहे थे। उसके बाद हम देखते हैं कि सू स्कूल के उसी बिल्डिंग के पास जाकर खड़ी हो जाती है जहाँ पे जिया ने जान दी थी, और वो जिया को याद कर रही थी। जिया सू को अपनी सबसे अच्छी दोस्त मानती थी। सू क्राइम साइट के और करीब जा रही थी, पर तभी हैना आकर उसे रोकती है और अपने साथ वापस ले जाती है। तभी हम देख पाते हैं कि कोई अनजान साया उन दोनों को बिल्डिंग के छत से देख रहा है। सू को इस बात का एहसास हो गया था कि कोई तो है जो उन दोनों को देख रहा है, पर वो फिर वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में क्लास में टीचर पढ़ा रही थी, तभी सू के हाथों से बहुत ज़्यादा खून निकलना शुरू हो जाता है। सू बहुत घबरा गई थी, पर यह सब उसका भ्रम था। सू की आवाज़ सुनकर टीचर उसे जैसे ही डांट लगाती है, उसका भ्रम दूर हो जाता है। लेकिन फिर भी सू को एहसास हो रहा था कि कोई तो है जो उसके पीछे है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। अगले सीन हम देखते हैं कि स्कूल के बड़े से शीशे पे सू और हैना का नाम लिखा था, क्योंकि वजह से ही जिया की मौत हुई है। ये सू और हैना देख लेते हैं और उस लिखावट को मिटाने लगते हैं। हैना उसी लड़की से जाकर बात करती है कि तुम हम लोगों के पीछे क्यों पड़ी हो, लेकिन हैना के बात करने का कोई फायदा नहीं होता। शाम को हम देखते हैं कि सू हैना से बोल रही थी कि हमें सबको सच बता देना चाहिए। वो कहती है कि अब वो झूठ नहीं बोल सकती। हैना सू को समझाती है कि उन्होंने ऑलरेडी झूठ बोल चुका है, अब अगर उन्होंने कुछ भी कहा तो वो फंस जाएंगे। हैना कहती है हमने ऑफिसर्स को क्या बताया था कि हमें कोई आइडिया नहीं है कि जिया ने खुद की जान क्यों ली, अब अगर हम कुछ और कहेंगे तो सोचो हमारे साथ क्या होगा। मैं तुम्हें ऐसे बिल्कुल नहीं करने दूंगी। तभी वहाँ पे यूजिन आ जाती है और सू से कहती है अगर हमने सच बताया तो शायद हमें स्कूल से निकाल दिया जाएगा, और वो सू को समझाती है कि उनकी रेप्यूटेशन कितनी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी और तो और उनकी बाकी की पूरी ज़िंदगी इसी ख़राब रेप्यूटेशन के साथ उन्हें जीनी होगी। सू नहीं मानती तो यूजिन कहती है तुमने देखा नहीं स्कूल पर सभी हम तीनों को कितने ख़राब तरीके से ट्रीट करे हैं, और ये सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्हें पता है कि शाम को हम भी जिया के साथ थे। अब अगर ये सोचो कि हमारी वजह से जिया की मौत की बात उन्हें पता चल गई तो वह हमें कैसे ट्रीट करेंगे। सू गुस्से में थी। तभी हम देखते हैं कि हैना और यूजिन ने पीछे जो कैंडल चलाई थी वो अचानक बुझ जाती है। हैना यदि घबरा गई थी और वो कहती है तुम जिया को अपनी दोस्त मानती हो, लेकिन क्या हम तुम्हारे दोस्त नहीं हैं, प्लीज़ किसी को कुछ मत बताओ। और जिया हमारी भी दोस्त थी, वो इस बात को ज़रूर समझेगी कि हमने झूठ क्यों कहा। अगले सीन में वो तीनों लौट रहे थे, तभी हैना को एहसास होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। वो घबरा कर पीछे देखती है लेकिन कोई भी नहीं था। वो सू और यूजिन से कहती है कि तुम्हें एहसास नहीं हुआ कि कोई तुम्हारा पीछा करे। यूजिन उसे समझाती है ऐसा कुछ नहीं है। अगले सीन हम देखते हैं कि स्कूल पे एक और लड़की खुद की जान दे रही थी। वह एक चिट्ठी लिख रही थी अपनी मॉम के लिए कि स्कूल में उसे सभी बहुत परेशान करते हैं, वह बहुत परेशान नहीं हो सकती और इसीलिए वो जीना नहीं चाहती, वो जान देने के लिए जा रही है। तभी हम देख पाते हैं जिया की आत्मा उसे मरने नहीं देती और वो सीन उधर ही कट हो जाता है। इसके बाद यूजिन के हाथों पर एक बहुत ही सुंदर सी चाबी को हम देखते हैं। ऐसा लग रहा था मानो वह चाबी किसी महल की हो। अगले दिन स्कूल में हम देखते हैं कि यूजिन प्रिंसिपल के ऑफिस में थी। वहाँ से प्रिंसिपल बहुत नाराज़ हो रही थी क्योंकि यूजिन का रैंक 1st से 10th हो गया था। वो पढ़ाई में पीछे होते जा रही थी। अब हमें पता चलता है कि वो चाबी स्कूल की थी जिसे प्रिंसिपल मैम यूजिन से वापस ले रही थी। वो चाबी सिर्फ उसी स्टूडेंट को मिलती थी जो 1st आते हैं। यूजिन इस बात से बहुत दुखी हो जाती है कि उसकी रैंक इतनी ख़राब होते जा रही है। अगले सीन हम देखते हैं कि एग्जाम के रिजल्ट्स आ चुके थे जिसपे जिया 1st आई थी, और वहाँ पे बाकी बच्चे अपने अपने रैंक्स देख हंस रहे होते हैं। यह सी जब यूजिन को सुनाई देती है तो उसे लगता है सभी बच्चे उस पर हंस रहे हैं और वो उन पर ही नाराज़ हो जाती है। अगले सीन हम क्लास में आते हैं जब हमें पता चलता है कि हैना कल अपने फादर से बहुत मार पड़ी थी क्योंकि उसके नंबर अच्छे नहीं आए थे। वो सभी क्लास 12 पे थे तो 1st सेमेस्टर कुछ खास अच्छा नहीं किया था, तो सभी दोस्त उदास थे। फिर हम देखते हैं जिया के लिए उसके टेबल पे सभी बच्चों ने फ्लावर्स रखा हुआ था उसके रिस्पेक्ट पे। अगले सीन में वो सभी लंच कर रहे थे जहाँ पे कुछ बच्चे जिया के बारे में बात कर रहे थे। एक लड़की बोल रही थी कि जिया ने अपनी जान इसलिए दी क्योंकि उसके घर वालों ने उससे उसका फ़ोन छीन लिया था, उसे अपने फ़ोन से बहुत ज़्यादा प्यार था। और दूसरी लड़की बोल रही थी ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि बात यह है कि जिया प्रेग्नेंट हो गई थी और इस बात से वो बहुत परेशान थी और यही कारण है कि उसने अपनी जान दे दी। यानी उसके बारे में कई सारी अफवाहें फैल गई थी एंड ये सब कुछ सू और उसके दोस्त भी सुन रहे थे। अगले सीन में सू हैना यूजिन को अपने साथ लेकर जाती है और फिर वह हैना से पूछती है जिया के बारे में इतनी घटिया अफवाह तुमने फैलाई है, है ना। हैना कहती है ये तुम क्यों बोल रही हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और मैं ऐसा क्यों करूँगी। तो फिर यूजिन की तरफ देखती है तो यूजिन भी यही कहती है मैंने भी ऐसा नहीं किया। हैना कहती है क्या तुम्हें हम पर विश्वास नहीं, आखिर तुम्हें हो क्या गया है। तभी यूजिन कहती है इस बात को अब रहने दो, तुम्हारी बार बार इस बात को याद करने से जिया वापस नहीं आने वाली,
वो अब जा चुकी है। अभी हम देखते हैं कैना को कुछ बहुत ही डरावना सा पीछे दिखाई देता है। वो घबरा जाती है, उन्हें बताती है कि कोई तो है जो हमें छिपका देख रहा है। सू उस बात को इग्नोर कर चली जाती है। तब स्कूल के अंदर बाकी लड़कियां सू से वही बात कह रही थी कि जिया के साथ बहुत बुरा हुआ, उसके बॉयफ्रेंड ने उसके साथ बहुत गलत किया। सू ने इग्नोर करके जा रही थी कि तभी यिनसू वहां आती है और सू पे नाराज होती है। क्या आखिर तुमने अपनी बेस्टफ्रेंड के बारे में इतनी खराब अफवाह कैसे फैला दी? सू कहती है, मैंने कुछ भी नहीं किया। यिनसू कहती है, फिर चलो मेरे साथ छत के उसी जगह पे जहाँ जिया ने अपनी जान दी थी, और वहां चल मुझे ये बात कहना कि तुम सच बोल रही हो। सू कहती है, प्लीज अब इस बात को रहने दो, ये सब करने से जिया वापस नहीं आने वाली। यिनसू वहां से चली जाती है और वो छत की तरफ जा रही थी। सू भी उसका पीछा करने लगती है, लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि टेरेस के गेट को यिनसू ने लॉक कर दिया है। वो बहुत कोशिश करती है पर गेट खोल नहीं पाती। अब हम देखते हैं कि जिया की म्यूजिक प्लेयर को लेकर वो उस पर रिकॉर्डिंग सुन रही थी और नीचे की तरफ देख रही थी। हम देखते हैं कि सू भागकर बिल्डिंग के बाहर आती है और यिनसू की तरफ देखने लगती है। यिनसू को देख सू को कुछ याद आता है और तभी हमें दिखाया जाता है कि आखिरकार जिया और सू की दोस्ती को हुआ क्या था। हम देख पाते हैं कि स्ट्रीम चेंज करने के बाद सू की दोस्ती यूजिन और हैना से हो गई थी। उसके बाद से ही सू ने जिया को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया था। हमेशा क्लासेस खत्म होने के बाद जिया सू के लिए वेट किया करती थी, लेकिन सू उसे देखकर भी अनदेखा कर देती थी। हम देख पाते हैं कि नई दोस्ती का सू पे गलत असर भी हो रहा था और वे गलत लड़के के साथ घूमने लगी थी। फिर एक दिन उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और उस दिन के बाद से वो लड़का सू को अकेला छोड़कर भाग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिया सू से बात करने आती है कि आखिर बात क्या है, तुमने मुझे इग्नोर करना क्यों शुरू कर दिया? सू कहती है, प्लीज अब तुम मुझसे दूर रहो और तुम मेरी दोस्त नहीं हो। जिया कहती है, तुम उस लड़की के चक्कर में ये सब क्यों कर रही हो? वो अच्छा इंसान नहीं है। गुस्से में जिया कहती है कि जैसे तुमने मुझसे दोस्ती तोड़ दी, वैसे ही देखना वो भी तुमसे दोस्ती तोड़ देगा। ये बोलकर उसे रियलाइज होता है कि उसने गलत कहा है, तो वो सू से तुरंत ही माफी भी मांग लेती है। लेकिन सू गुस्से में कहती है, तुम ये काम क्यों नहीं करती, जाकर मर जाओ, मुझे खुद से फ्री कर दो। अगले सीन में देखते हैं कि सू स्कूल के बाहर खुले पे बैठी हुई थी, वही सबके बारे में सोच ही रही थी। एंड फिर हमें एक और चीज दिखाई जाती है कि सू को एक इंपॉर्टेंट बात पता चलती है उसी लड़की से जो उसे जिया की मौत के लिए परेशान करी थी। उसे पता चलता है कि यूजिन ने सू के साथ इसीलिए दोस्ती की थी ताकि सू और जिया की दोस्ती खराब हो सके। जिया फर्स्ट आने लगी थी और यूजिन ये देख बर्दाश्त नहीं कर पाती और इसीलिए उसने डिसाइड किया कि वो सू और जिया की दोस्ती तोड़ देगी। ये सब सुनकर भी सू की बातों पर यकीन नहीं करती। जब सू वहां से जा रही थी तभी हम देखते हैं कि उस लड़की के सामने जिया की आत्मा आ जाती है, वो उसे वहीं पर खत्म कर देती है। वो आज भी सू को अपनी बेस्ट फ्रेंड मानती थी। अगले सीन में हम उसी लड़की की माँ को देखते हैं जिसने सू के साथ गलत किया था। उसकी माँ अपने बेटे से बोल रही थी कि तुम चिंता मत करना, सब संभाल लूंगी और उस लड़की सू को भी मैं हैंडल करूंगी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जिया उन आंटी को खत्म कर देती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि हैना कुछ लड़कियों को बता रही थी कि पता है सच क्या है, उस दिन जिया के साथ क्या हुआ था। जिया और सू विशाम दोनों ही अपनी जान देने जा रहे थे, लेकिन सू ने अपनी जान नहीं दी और उसके कारण ही जिया की मौत हो गई। ये जान हम हैरान रह जाते हैं कि हैना सू को क्यों फंसा रही थी। लेकिन तभी हैना को वहां पे जिया की आत्मा दिख जाती है, जिसे देख वो तुरंत क्लास में भागती है और फिर यूजिन को ये बात बताती है। तो यूजिन कहती है कि जरूर तुम्हें वहम हुआ होगा। हैना बोलती, नहीं मुझे वहम नहीं हुआ। जिया यहीं कहीं फोन पर नजर रख कर है, उसे विंडो पे कुछ दिखता है और वो जोर से चिल्लाने लगती है। हैना को देख सभी खिड़की से बाहर देखते हैं तो नीचे पे यिनसू खड़ी थी और वो एक ईविल सी स्माइल देकर वहां से चली जाती है। यूजिन उसे बताती है कि जिया यहाँ नहीं है, बाहर यिनसू थी, जिया की सिस्टर। अगले सीन हम देखते हैं यिनसू सू को वही म्यूजिक प्लेयर देने आई थी और वो सू को देख बोल रही थी आखिर ऐसा क्यों किया तुमने। तभी वह हैना आ जाती है और यिनसू को मारने लगती है। सू हैना से यिनसू को किसी तरह बचा लेती है। एवं यूजिन सू से कहती है कि देखो तुम्हारे कारण क्या हो गया, ये सब तुमने क्या कर दिया। सू पूछती है क्या ऐसा मैंने किया। यूजिन कहती है हाँ, उशान तुमने जिया से कहा था उसकी वजह से जिया की जान गई, फिर इन सब में हम लोग क्यों फंस रहे हैं। यह हम समझ पाते हैं कि एक ही पल में यूजिन ने सू को फंसा दिया। सू समझ ही नहीं पा रही थी कि वह करे तो करे क्या। अगले सीन हम देखते हैं कि हैना डर कर एक जगह पर सहमी हुई बैठी थी। तभी वहां पे यूजिन आती है उसे समझाने, लेकिन हैना कहती है कि जिया हमें नहीं छोड़ेगी, वो हमें खत्म करने ही आई है। यूजिन हैना को एक कमरे में बंद कर देती है और कहती है प्लीज तुम उधर ही रहो, जब तक तुम्हारे अंदर का ये डर खत्म नहीं हो जाता तब तक बाहर मत आना। हैना कहती है प्लीज मुझे बाहर निकाल दो, मैं तुम्हारा सच किसी को नहीं बताऊंगी। यूजिन कहती है नहीं अभी वहीं पर आओ। अगले सीन हम देखते हैं कि जिया की आत्मा हैना के पास उसी जगह पे आ जाती है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूजिन कंप्यूटर क्लास में थी जब अचानक से वो अपने कंप्यूटर पे जिया और हैना को देख पाती है। वो तुरंत स्टोर रूम पे जाती है जब उसने हैना को बंद किया था, वहां से हैना नहीं मिलती। वो वॉशरूम जाती है और देखती है कि हैना वहीं पर है। हैना उसे बताती है कि जिया ने उसे स्टोर रूम से बाहर निकाला है। हैना कहती है मैंने उसे सारा सच बता दिया है, मैं नहीं चाहती कि जिया मुझे मार दे, इसलिए मैंने उसे सारा सच बताया। हैना यूजिन से कहती है कि तुम प्लीज
जिया से माफी मांग लो, शायद वो हमें माफ कर दे क्योंकि हम चाहकर भी जिया से नहीं जीत सकते, यूजिन कहती है। तुम्हें पता है ना कि मैंने क्या बोला था, ये सब कुछ सू की गलती है, हमारी नहीं। हैना कहती है कि जिया को सब कुछ पता है, प्लीज उससे माफी मांग लो, मैंने आज तक तुम्हारी सारी बात मानी है, प्लीज तुम मेरी एक मान लो। यूजिन उस पर नाराज हो जाती है कि जिया मर चुकी है, उसे डरना छोड़ दो। रहना यूजिन को गिराकर बेहोश कर देती है और खुद टेरेस पे चली आती है। हम देखते हैं कि नीचे से उसे सू रोक रही थी कि प्लीज अपनी जान मत देना। तभी छत पे यूजिन भी आ जाती है ये पूछने कि तुम सब क्या कर रही हो। हैना कहती है जिया ने मुझसे कहा है कि वो मुझे कुछ नहीं करेगी, तो मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन फिर वो एक और बात कहती है, अब अपने फादर के साथ डर डर कर नहीं जीना चाहती, इसलिए मैं डर को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। अब वो छत से ही जमकर अपनी जान दे देती है। सो ये देख सदमे में जा चुकी थी, उसके साथ उसके पेरेंट्स और उसके टीचर्स थे, लेकिन वो किसी की भी बात नहीं करी थी। हम देख पाते हैं तो किस हालत को देख यूजिन बहुत ही खुश थी। अगली सीन हम देखते हैं कि यूजिन उसे खुद ढूंढ रही थी, लेकिन तभी वहाँ पे यूनसू आ जाती है एंड उसके पास वही चाबी थी। वो कहती है इस चाबी को सिर्फ जिया डिजर्व करती थी। यूनसू कहती है कि आखिर तुमने मुझे झूठ क्यों कहा, वो शाम को टेरेस पे तुम तीनों जिया के साथ थे। यूजिन कहती है मैंने कोई झूठ नहीं कहा, अब जल्दी से वो चाबी लौटा दो। यूनसू कहती है मुझे जिया ने सारा सच बता दिया है, तुम सच बताओ तुमने ये सब क्यों किया आखिर। यूजिन कहती है चाबी दे दो या फिर तुम भी मरने को तैयार हो जाओ। फिर वो किसी तरह यूनसू को बेहोश कर देती है और उसे कहती है उस शाम को तुम्हारी बेवकूफ़ बहन की जगह सू को मरना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हारी बेवकूफ़ बहन वहाँ गई और खुद की जान दे दी उसने। फिर हम देखते हैं कि यूजिन चर्च पे कुछ कैंडल जला देती है। फिर वो सू के पास क्लासरूम पे आती है और उसे कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें फंसाना नहीं चाहती थी, लेकिन सिचुएशन ही कुछ ऐसी हो गई थी, इसलिए प्लीज़ मेरे साथ चर्च पे चलो, हम वहाँ पे जिया से माफ़ी मांगेंगे। उसने हैना को ख़त्म कर दिया। अब मैं नहीं चाहती कि वो मुझे और तुम्हें भी ख़त्म कर दे। फिर वो सू को लेकर चर्च पे आई थी एंड वो दोनों एक एक बॉक्स के अंदर चले आते हैं जहाँ से वो प्रे कर जिया से माफ़ी मांग सके। लेकिन फिर हम देखते हैं कि धोखे से यूजिन सू को एक बॉक्स पे बंद कर देती है। सू से कह रही थी ये तुम क्या कर रही हो, यहाँ में यूजिन का असली सच बताया जाता है। वो कहती है कि पता है मैंने उस शाम को तुम्हें खुद के साथ जान लेने के लिए क्यों मनाया था, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी रैंक गिर गई थी और मुझसे ये चाबी छिन गई। मैं इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरा रैंक और ये चाबी, तुम्हारी वजह से मेरी खुशी छिन गई, आखिर मैं ऐसा क्यों होने दूँ खुद के साथ। फिर हमें दिखाया जाता है कुछ दिनों पहले यूजिन हैना के साथ पढ़ाई करी थी, जब वह हैना से कहती है कि हम लोग सू को भी अपने साथ मरने के प्लान में शामिल कर लें। हैना कहती है मैं मरना नहीं चाहती। यूजिन कहती है हम दोनों नहीं मरेंगे, हमें बस नाटक करना है कि हम जम करने वाले हैं, लेकिन एंड मोमेंट पे हम शायद सिर्फ सू को जम करने देंगे और खुद जम नहीं करेंगे। हैना कहती है ऐसा क्यों करना भला। यह हमें पता चलता है कि यूजिन को सू के बॉयफ्रेंड हान से भी प्यार हो गया था और वो बस किसी तरह सू को रास्ते से हटाना चाहती थी। अगले दिन हम देखते हैं सू यूजिन और हैना चर्च पे थे, जब यूजिन हैना से कह रही थी कि मैं वह जीना नहीं चाहती क्योंकि मेरे नंबर कम आ रहे हैं और मेरी रैंक भी नीचे गिर गई है। हैना कहती है मैं भी जीना नहीं चाहती, मेरे फादर मुझे बहुत मारते हैं और मैं इस परेशानी के साथ और नहीं जी सकती। इसे वो दोनों जानबूझकर सू के सामने बोल रहे थे ताकि सू भी अपनी प्रेग्नेंट होने की बात को लेकर अपनी जान देने के लिए मान जाए, और सू वैसे ही करती है एंड यूजिन इसमें सफल हो गई थी। अब प्रेजेंट हम देखते हैं कि यूजिन सू को मारने वाली थी। अब वो कहती है कि मैं हान के साथ बहुत खुश थी, लेकिन उसे तुम पसंद थी, तुम्हें पता भी है मुझे कितना बुरा लगा जब हान तुम्हारे पास आ गया था। वो सू को मारने वाली थी कि तभी यूनसू वहाँ जाती है और सू को बचा लेती है। हम देख पाते यूनसू के अंदर जिया की आत्मा थी। विजया एक ही पल में यूजिन को ख़त्म कर देती है एंड यूजिन उसे देख माफ़ी मांगती रह जाती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता और वो यूजिन को जान से मार देती है। देखते हैं कि जब जिया को पता चला कि सू की कंडीशन क्या है, वो क्यों खुद की जान देना चाहती थी, तब जिया ने डिसाइड किया कि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के बिना बिल्कुल नहीं जाएगी, इसलिए वो भी उनके साथ चली गई अपनी जान देने। लेकिन जब जम करने की बारी आई तब यूजिन ने सू के हाथ को पीछे की तरफ खींच लिया था और इस कारण से सिर्फ जिया ही वहाँ से नीचे गिर गई और उसकी जान नहीं बची। यूजिन ये सब सिर्फ हान को पाने और फर्स्ट रैंक ले किया था। वो इतनी ज़्यादा खुदकर्ष हो गई थी कि उसने गलत और सही के बीच फर्क समझना भी छोड़ दिया। हम देखते हैं कि जिया सू से कह रही थी कि अब मैं नहीं हूँ, इसलिए प्लीज़ आसे यूनसू की बड़ी बहन तुम बनकर रहना और उसे हमेशा प्रोटेक्ट करना और उसे हमेशा सेफ रखना और उसकी हमेशा मदद करना। एंड इसी के साथ ये कहानी ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी, अगर हाँ देन प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब भी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून।